हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहां पे जाके सर्च कर सकते हैं, और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं असेसमेंट के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में, उसकी मीनिंग के बारे में, और डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट के बारे में। ठीक है, असेसमेंट को हिंदी में कहते हैं आकलन, मूल्यांकन कहते हैं इवेल्युएशन को, मेजरमेंट कहते हैं मापन को। ठीक है, तो पहले असेसमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट एंड मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, बीएड के असेसमेंट फॉर लर्निंग में है, तो जल्दी से देखते हैं क्या होता है असेसमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग या सिंपल सा मतलब क्या है आकलन का। तो असेसमेंट को डिफाइन कर सकते हैं एज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द डाटा फ्रॉम वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स एंड यूजिंग द इन्फॉर्मेशन टू इंक्रीज स्टूडेंट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक, तो सिंपल सा मतलब क्या है असेसमेंट का या आकलन का। असेसमेंट के जरिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं सिंपली। ठीक है, असेसमेंट के कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं, मतलब रिटन एग्जामिनेशन होता है, ओरल एग्जामिनेशन होता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क्स होता है। सभी के जरिए हमारा मकसद क्या होता है, सभी के जरिए हमारा मकसद होता है कि हम डाटा को कलेक्ट करें। ठीक है, और उस डाटा के बेस पे, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट्स की लर्निंग कैसी है और स्टूडेंट में किस तरह की डेवलपमेंट की और ज़्यादा ज़रूरत है। असेसमेंट क्या है, सिस्टमेटिक बेसिस है जिसके जरिए हम जो भी डाटा कलेक्ट किया गया है, जो भी डाटा गैदर किया गया है, उसको इंटरप्रेट करते हैं कि स्टूडेंट की लर्निंग क्या है, वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, या उनका लेवल क्या है पर्टिकुलर टॉपिक में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैसे अटेन हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्टिव या गोल्स अटेन हुआ है या नहीं हुआ, जब हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, और फिर उसके लिए बहुत सारी टूल्स हैं, बहुत सारे टेक्निक हैं, उनके जरिए हमें पता चलेगा कि बच्चे कहाँ पे स्टैंड करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक में, पर्टिकुलर सिलेबस में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब असेसमेंट का या आकलन का यही है कि हम इसमें डाटा कलेक्ट करते हैं और ये पता लगाते हैं कि बच्चे कहाँ पे स्टैंड करते हैं, उनमें कैसी प्रॉब्लम है, या जो भी टीचर ने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे वो अटेन हुए हैं या नहीं हुए हैं। सिंपल। चलो, अब सबने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं या परिभाषित किया है किस तरह असेसमेंट को। तो अर्विन 1991 में क्या कहते हैं कि असेसमेंट इट इज ए सिस्टमेटिक बेसिस फॉर मेकिंग इन्फेरेंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो इन्होंने क्या कहा कि असेसमेंट क्या है, सिस्टमेटिक बेसिस है, व्यवस्थित आधार है जिसके जरिए हम बच्चों में लर्निंग और डेवलपमेंट को इन्फेरेंस करते हैं या उसका अनुमान लगाते हैं। उन्होंने कहा कि ये इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, सेलेक्टिंग, डिजाइनिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज स्टूडेंट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं, मेथड्स को सेलेक्ट करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ, और इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को और स्टूडेंट की डेवलपमेंट को कैसे एनहेंस किया जाए। ये चीज़ कही थी एर्विन ने। एक्चुअली जब सब्जेक्टिव पेपर होता है ना, तो इनके सबके बारे में लिखना अच्छा होता है। ठीक है, चलो, देन पलम्बा एंड बेंटा क्या कहते हैं कि असेसमेंट इज ए सिस्टमेटिक कलेक्शन, रिव्यू एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल प्रोग्राम्स अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो सभी ने क्या कहा है कि ये सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा ही है। ठीक है, उसके बाद रिव्यू है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन को यूज करना है कि किस तरह से बच्चों की लर्निंग और डेवलपमेंट को एनहेंस किया जाए। चलो, देन है ओनो एंड जॉर्जियो, इन्होंने कहा कि असेसमेंट एज ए जर्नल टर्म विच इंक्लूड्स ऑल द मेथड्स यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रंस नॉलेज, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। इन्होंने क्या कहा कि जो असेसमेंट है जनरल टर्म में क्या है, वो सभी तरीके हैं जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि बच्चों में किस तरह का ज्ञान है, उनमें किस तरह की क्षमता है, उनमें किस तरह की समझ है, उनमें किस तरह का एटीट्यूड या नज़रिए है, और उनमें किस तरह का मोटिवेशन है, या क्या चीज़ उन्हें प्रेरित करती हैं, क्या चीज़ उन्हें प्रेरित नहीं करती है। इन सभी मेथड्स को यूज करके हम किसी भी इंडिविजुअल या स्टूडेंट की लर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं। सिंपल। तो असेसमेंट क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा है। चलो, देन आते हैं फंडामेंटल्स ऑफ असेसमेंट, कि असेसमेंट की मूल बातें क्या हैं या असेसमेंट या आकलन की मूल बातें क्या हैं।
तो इसमें क्या होता है, पहला स्टेप ये है फॉर्मुलेट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंटेड लर्निंग आउटकम्स, मतलब इच्छित सीखने के लिए परिणामों का विवरण तैयार करना। इसमें बेसिकली हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं कि सेलेक्ट असेसमेंट टूल्स, उपकरण चुनना और किस तरह से मैं पर्टिकुलर टॉपिक को प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में ये होता है। चलो थर्ड है क्रिएट एक्सपीरियंसेस लीडिंग टू आउटकम्स, कि मैं वो सभी मेथड अपनाऊंगा जो कि बच्चों को एक डेफिनेट गोल्स, एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। अब चलो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, जो भी डाटा मिला है मुझे मैं उसको यूज करूंगा कि किस तरह से ओवरऑल लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सकता है, और ये स्टेप फिर चलता रहता है, ठीक है। अब देखो जो फंडामेंटल्स ऑफ असेसमेंट है ना, उसी को असेसमेंट साइकिल के तौर पे वेस्टमिंस्टर ने सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। उन्होंने क्या कहा, पीडीसीए साइकिल। पीडीसीए साइकिल क्या है, प्लान करना मतलब डिजाइन करना, डू करना काम करना, उस पर चेक करना, एक्ट करना, ठीक है। इसको कहते हैं प्लान डू चेक एक्ट। ये क्या है, सिंपली असेसमेंट साइकिल है जो कि वेस्टमिंस्टर ने दी थी। फंडामेंटल्स ऑफ असेसमेंट को सिंपली ट्रांसलेट कर दिया इन चार टर्म्स में। सिंपली इनको याद रखना। प्लान में क्या होता है भाई, प्लान में होता है कि व्हाट डू आई वांट स्टूडेंट टू लर्न, मतलब इसमें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं, ये फर्स्ट कंपोनेंट है पिछले स्लाइड का। डू में क्या है, मैं वो सभी चीजें अपनाऊंगा जिससे मेरी टीचिंग इफेक्टिव हो जाए। इसमें बेसिकली सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट्स यूज होते हैं प्रीवियस स्लाइड के। चेक में क्या है, आर माई आउटकम्स बींग मेट, है ना। असेसमेंट के मेथड्स यूज करूंगा और मैं चेक करूंगा कि मेरे जो गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव थे, वो हासिल हुए हैं या नहीं हुए। तो ये क्या है, फोर्थ कंपोनेंट है। एक्ट में क्या है, अब इन सभी के बेस पे मैं एक्ट करूंगा कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं जिससे कि मैं लर्निंग और डेवलपमेंट और ज्यादा अच्छी कर सकूं। तो देखो लर्निंग में क्या होगा, कुछ सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस होंगी, उनको मैं रीइंफोर्स करूंगा, उनको फिर से यूज करूंगा और रिवीजन करवाता रहूंगा ताकि जो लर्निंग है वो और ज्यादा अच्छी हो सके, ठीक है। इसमें क्या है, फोर्थ कंपोनेंट के कुछ पार्ट्स हैं। इसमें पजल मत होना, ये क्या है बेसिकली, जो ये फंडामेंटल्स ऑफ असेसमेंट है ना, जो मूल बातें हैं असेसमेंट की, उसी को वेस्टमिंस्टर ने सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया और इसको कहा इन्होंने पीडीसीए साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट। ये एक्चुअली एजुकेशन में भी यूज होता है और बहुत तरह के बिजनेसेस में भी यूज होता है, ठीक है। तो सिंपली इसको याद रखना। चलो फंक्शंस ऑफ असेसमेंट क्या है, तो असेसमेंट क्या होता है, इन्फॉर्मेटिव होता है, बिल्कुल होता है, जानकारी देता है हमें कि बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं, किस तरह से सिलेबस चल रहा है, और टीचर्स को हेल्प करता है, स्टूडेंट को भी हेल्प करता है, ठीक है, दोनों को ही जानकारी मिलती है। करेक्टिव है, अगर रिजल्ट बुरा आता है तो हम करेक्शन करते हैं, अगर रिजल्ट अच्छा आता है देन उसको मेंटेन करते हैं। डेवलपमेंटल है, बिल्कुल डेवलपमेंटल है, अगर बुरा रिजल्ट आता है तो हमें पता है हमें कहाँ पे अपने आप को सुधारना है, और अगर रिजल्ट अपने मन मुताबिक आता है देन हमें पता रहता है कि हमें कैसे उसको मेंटेन रखना है, ठीक है। मोटिवेशनल है, बुरा रिजल्ट आता है ऑफकोर्स हम प्रेरित होते हैं, हम मोटिवेट होते हैं कि हमें और अच्छा करना है, अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तब भी हम मोटिवेट होते हैं, खुशी मिलती है कि जो भी काम चल रहा है वो बहुत अच्छे से चल रहा है और उसी को फिर मेंटेन रखा जाए, क्लियर है। लास्ट फंक्शन क्या है असेसमेंट का, कि रेगुलरिटी है, क्रम में रखने वाला है। क्रम में रखने वाला हमें कैसे पता चलता है, असेसमेंट के जरिए हमें पता चलता है कि कहाँ पे गड़बड़ है और कहाँ पे सुधार के तरीके हैं, और अगर हम आउट ऑफ द वे हैं, मतलब सीधी लाइन ये है और करेक्ट लाइन ये है, तो हमें पता चल जाता है और हम फिर से अपनी लाइन में आ जाते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा मस्ती हो गई है, पढ़ने का टाइम है, ठीक है। तो इस तरह से ये रेगुलेटिव है, मतलब रेगुलेट करता है हमारी काम करने की क्षमता को। चलो देन है टाइप्स ऑफ असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट। तो सबको अच्छे से डिस्कस करते हैं। फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट को हम अलग से भी पढ़ेंगे क्योंकि ये कई बार इंडिविजुअली भी 88 मार्क्स में पूछ लेता है, ठीक है। तो अभी सिंपली इसको एज ए टाइप्स पढ़ते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, इसको कहते हैं ongoing असेसमेंट या असेसमेंट फॉर लर्निंग, AFL, सीखने के लिए आकलन। ये क्या है, कॉन्टिन्यूसली क्लास में होता रहता है, या इसको कहते हैं असेसमेंट ड्यूरिंग क्लास। ये इसलिए किया जाता है ताकि हम मॉनिटर कर सकें प्रोग्रेस को, कि बच्चों में किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है, ताकि हम और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट पा सकें।
चलो, मून ने कैसे डिफाइन किया फॉर्मेटिव असेसमेंट को? उन्होंने कहा कि ये एक इस तरह का असेसमेंट है जिसको हम डेली बेसिस पे करते हैं और इसके जरिए हम बच्चों को फीडबैक देते हैं कि ड्यूरिंग लेसन्स वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और उनको कहाँ पे अच्छा करने की ज़रूरत है, मतलब वो कहाँ पे अच्छे हैं और कहाँ पे बुरे हैं, बुरे इन द सेंस कहाँ पे वो कमज़ोर हैं, ठीक है। इस तरह के असेसमेंट बच्चों को भी फीडबैक देते हैं और टीचर्स को भी फीडबैक देते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है और कहाँ पे कंसंट्रेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली यूनिट टेस्ट लेते हैं, ओरल टेस्ट लेते हैं और टाइम टू टाइम बच्चों को ऑब्जर्व किया जाता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट एक तरह से टीचर एंड स्टूडेंट सेंटर्ड असेसमेंट है या आकलन है। चलो, समेटिव असेसमेंट क्या है? तो नाम में ही क्या है, समअप, ठीक है। समअप तो क्या होता है भाई, लास्ट में ही होता है। तो इस तरह का असेसमेंट क्या होता है, लास्ट में होता है, चाहे वो कोई सेमेस्टर हो, एकेडमिक ईयर हो, या एक पर्टिकुलर टाइम हो, या कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन हो, उसके बाद जो असेसमेंट होता है उसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट। ये क्या है, टिपिकल पेपर पेन टेस्ट है। इसमें क्या है, बच्चों को, टीचर्स को, दोनों को फीडबैक मिलता है लेकिन इंस्ट्रक्शन के बाद। सिंपल, समेटिव का मतलब है लास्ट में, फॉर्मेटिव का मतलब है कॉन्टिन्यूस असेसमेंट। चलो, देन है डायग्नोस्टिक या नैदानिक आकलन। तो डायग्नोस्टिक पहले मैं बता चुका हूँ, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग में। डायग्नोस्टिक क्या है, बीमारी का पता लगाना। तो एजुकेशन के फील्ड में डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मतलब है कि बच्चों में किस तरह की लर्निंग प्रॉब्लम है या किस तरह के लर्निंग इशूज हैं, ठीक है। जब हम डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन कर लेते हैं, देन हम रेमेडियल टीचिंग डिसाइड करते हैं कि जहाँ पे बच्चों को दिक्कत है उसी के बारे में बच्चों को दवाई देना या उसी के बारे में बच्चों को अच्छे से बढ़ाना। चलो, देन आता है नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट, हिंदी में क्या है, सामान्य संदर्भित आकलन। तो इस तरह के असेसमेंट में टीचर क्या चेक करना चाहता है, क्या असेस करना चाहता है, वो असेस करना चाहता है कि पर्टिकुलर बच्चे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। कब, जब सेम पॉपुलेशन को सेम अमाउंट ऑफ टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड किया गया है और सेम अमाउंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया है। सपोज इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज 40 बच्चों की क्लास है, ठीक है, उसमें से 35 बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और 5 बच्चे क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमने इन पांचों को भी सेम मटेरियल प्रोवाइड किया है और सेम लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। इसको कहते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। यहाँ पे हम इन 5 बच्चों को इन 35 बच्चों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि सेम चीजें हमने सबको पढ़ाई तो भाई ये 5 बच्चे क्यों पीछे रह पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्म्स, और इस नॉर्म्स पे सभी बच्चे क्यों स्टैंड आउट नहीं कर रहे हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलो, देन है क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, मानदंड संदर्भित आकलन। तो इसमें एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, बच्चों को एक क्राइटेरिया के बेस पे असेस किया जाता है कि वो बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट। सिंपल सी बात है यार, अगर 80% मार्क्स आते हैं तो ए ग्रेड मिलता है, तो इसमें क्या होगा, जो 80 मार्क्स हैं या 80 नंबर हैं वो क्या है, क्राइटेरिया है। और इसका एग्जांपल क्या है कि अगर 35% नंबर आते हैं तो आप पास हो, तो यहाँ पे जो 35% क्या है वो एक क्राइटेरिया है कि इसके ऊपर आए तो आप पास हो, इसके नीचे आए तो आप फेल हो। चलो, देन है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट, मतलब औपचारिक एंड अनौपचारिक आकलन। चलो, फॉर्मल असेसमेंट में क्या है, जहाँ पे बच्चे अवेयर होते हैं कि कितना सिलेबस आएगा, कब एग्जाम है और उन्हें प्रॉपर पता है कब टेस्ट होने वाला है। तो इसमें क्या है, प्रोजेक्ट हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है या कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन हो सकती है, ठीक है। इसको कहते हैं फॉर्मल असेसमेंट और ये क्या होता है, सबमिटिव इन नेचर होता है, ठीक है। चलो, इनफॉर्मल असेसमेंट क्या है, इसमें क्या है, बच्चे उतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल क्या है कि सरप्राइज टेस्ट ले लेना, तो सरप्राइज टेस्ट ले लेना क्या है भाई, अनौपचारिक है, इसमें बच्चों को नहीं पता कब टेस्ट होने वाला है, तो ये एक तरह से इनफॉर्मल मेथड है। बच्चों को ऑब्जर्व करना ये भी एक तरह से इनफॉर्मल असेसमेंट का तरीका है और टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों को हमेशा असेस करता रहता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्किल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोरल एंड एथिकल वैल्यूज, सभी पे टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें ऑब्जर्व करता है। और ये किस में आता है, इनफॉर्मल असेसमेंट में आता है, मतलब जब बच्चे अवेयर नहीं है, ठीक है। और इनफॉर्मल असेसमेंट क्या है, फॉर्मेटिव नेचर है, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह है। आई होप क्लियर है। चलो, देन आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट, मतलब आंतरिक और बाहरी आकलन। तो इंटरनल असेसमेंट जब सेम इंस्टीट्यूट से टीचर होते हैं, एक्सटर्नल असेसमेंट क्या है, जब
बाहर से कोई आता है और हमें असेस करता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल असेसमेंट। जैसे होता ना कि 100 नंबर का पेपर होता है तो उसमें 80 मार्क्स की थ्योरी और 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट, मतलब टीचर सेम इंस्टीट्यूट के टीचर ही हमें असेस करते हैं और हमें मार्क्स देते हैं। लेकिन ये कई बार क्या होता है एक्सटर्नल भी असेस किया जाता है। तो चलो ये था असेसमेंट, उसकी टाइप्स और उसकी फंडामेंटल्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो, और ये बाकी रेफरेंसेस हैं मैं इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप और ज़्यादा अच्छी तरीके से जाके पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।